हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग पाठशाला में। तो आज था चैलेंज का सेकंड डे। आज मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद काफ़ी अच्छा फॉल आया और 18,800 जो कि हमारा टारगेट था वो लगभग इसने हिट कर दिया। 850 800 जो अपना टारगेट था उसको इसने हिट कर दिया। या दिस वॉज द ये अपना सपोर्ट जोन था। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हाँ जी, यहीं कहीं अपना एक सपोर्ट था। अभी थोड़े से बहुत और फॉल आने के चांसेस हैं और ये फॉल आ सकता है आपको 18,600 तक का। तो 18,600 तक का जो आपका फॉल है वो करीब करीब आ सकता है। तो आज डे सेकेंड था। डे सेकेंड के चैलेंज में आज अपना क्या हुआ, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मैंने आज क्या मिस्टेक कर दी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मार्केट में थोड़ी सी लेट एंट्री ली थी जब ये ऑलरेडी 3 कैंडल्स बन चुके थे। तो उस केस पे मैं यहाँ पे एंट्री तो ले नहीं पाया। मैंने यहाँ का ही एंट्री ली, स्कैल्प किया दो तीन, और दो तीन स्कैल्प करके प्रॉफिट बने थे मेरे 1,000 रुपये के करीब करीब। एक लॉट से ट्रेड किया था मैंने, जो कि जैसा मेरा है कि मैंने 5,000 के अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ और आज मुझे 622 का लॉस हुआ। एक्चुअली ये प्रॉफिट पे था 1,000 रुपीज़। फिर मैंने क्या देखा कि आज 0-0 करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये पूरा मार्केट साइडवेज हो गया ना। ये दो एक दो स्कैल्प लेने के बाद फिर पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब 11 बजे के बाद मार्केट साइडवेज। सेम केस यहाँ पे हुआ था अपने को बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे भी क्या हुआ कि अपना जो मार्केट है ये भी अच्छा खासा खुला, और खुलने के बाद फिर ये काफ़ी नीचे तक आया। और नीचे आने के बाद फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये भी अगेन फॉल हुआ अच्छा 2-3 कैंडल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लेट में एंट्री लिया, फिर एक दो फॉल कैप्चर करने के बाद ये पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। मतलब 11 बजे तक ही फॉल आया, उसके बाद साइडवेज, और मैं थोड़ा लेट एंट्री किया था। तो ये है कि लेट एंट्री करने के बाद भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है मार्केट पे। और अगला यहाँ तक तो मेरा 1,000 रुपीज़ प्रॉफिट था, उसके बाद और भी अच्छा चल रहा था। 1,200-1,300 रुपये भी जा रहे थे, 0-0 भी चल रहे थे। बट हुआ क्या कि आज थोड़ी किस्मत ख़राब थी। एक ही टाइम पे पावर कट हुआ, एक ही टाइम पे वाईफाई भी कट हो गया। तो मैं मोबाइल से जब प्रॉफिट बुक कर रहा था अपना, तो उस केस पे लोडिंग के कारण प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया, नेटवर्क एरर, और फिर ओवरऑल मैं जाके लॉस में क्लोज किया। आई मीन ये लॉस तो जेन्यून लॉस था। ये जो लॉस था ये मेरे ये प्रॉफिट में ही था एक्चुअली, 600-700 रुपये सब कुछ लॉस हो जाने के बाद भी। बट बिकॉज ऑफ द पावर कट एंड वाईफाई कट, क्या ही बोले, मतलब जब किस्मत में ना लिखा हो तो उस केस में लॉस हो जाना था। तो आज लॉस हो गया मेरा, ठीक है। अगेन मेरा जो सेकंड अकाउंट है, यहाँ पे लॉस क्यों हुआ, तो यहाँ पे लॉस होने का कारण ये था कि मैंने एंट्री तो ली थी बट गलत एंट्री हो गई थी, रॉन्ग एंट्री। दो मैंने तीन ट्रेड्स लिए, तीन ट्रेड्स में एक टाटा मोटर्स पे ऐसे इंट्राडे करने का प्रयास किया, वहाँ पे रॉन्ग एंट्री होने के कारण मुझे यहाँ पे लॉस लिया। अगेन हीरो मोटोकॉर्प पे भी रॉन्ग एंट्री लेने के कारण यहाँ पे लॉस हुआ। मतलब मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया, शॉर्ट मारा, बट मार्केट वहीं से रिवर्स कर गया। एक्सिस बैंक में प्रॉफिट हुआ, ये एक सही एंट्री थी हमारी। अब तो ये अपना ओवरऑल व्यू था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी मेरा जो मेन जो जिस अकाउंट में ग्रो कर रहा हूँ उसका फंड है अभी 11,565। अपना टारगेट है कि इसको ले जाना है 1 लाख तक का, तो दिस इज़ द टारगेट। अब देखते हैं कल का एनालिसिस कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या हो सकता है। तो चलिए आइए डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, टारगेट क्या है, 18,600, 18,000 ये सपोर्ट था। 18,650 तक मार्केट के आने के पॉसिबिलिटीज हैं, 650 से लेके 660, ठीक है। तो अभी अपने को एक और फॉल दिख सकता है। अभी वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो वर्ल्ड मार्केट दिखा रहा है अपने को डाउन दिखा रहा है, डाउ फ्यूचर्स डाउन है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे है, बढ़ा हुआ है, नैसडेक 2% डाउन है, मतलब मार्केट और गिरेगा। देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी का क्या हाल है। एसजीएक्स निफ्टी तो एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं अपन। एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल तो फ्लैटिश चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी वर्ल्ड मार्केट जो डाउन दिखा रहा है उसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज ये है कि कल क्या हो सकता है। अभी क्या है ना, 3 दिन लगातार सेलिंग आ चुकी है, आप देखेंगे तो लगातार 3 डेज सेलिंग आ चुकी है। इस सीनारियो में अभी हो सकता है कि अपन 15 मिनट चार्ट लगा देते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न आ रहा है। मतलब मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक साइडवेज हो गया। अब साइडवेज के बाद कल क्या हो सकता है कि अगर 18,000, तो अभी यहाँ पे बाइंग का नहीं सोचना अपने को, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सेलिंग है ना उसको थोड़ी क्वांटिटी कम कर देनी है। तो ये अपना एक रेंज टाइप का बन गया। तो अगर ये कल वापस ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो अपन एक डाउन साइड का टारगेट रखेंगे अगेन 18,700 तक का। मतलब 50 से 60 या 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फॉल आ चुका है। अब क्वांटिटी कम कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक बाउंस होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो ओवरऑल कल का प्लान ये है कि यहाँ पे कहीं कहीं खुला या गैप डाउन खुला तो थोड़ा बहुत देख के इसको सेलिंग का ट्राई कीजिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा। और डाउन साइड का अगर ऊपर साइड जाएगा तो ऊपर साइड पे उतना इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर साइड पे यदि जाता है तो फिर जब तक कि अपने कैंडल का डे हाई वगैरह नहीं निकालता है तब तक यहाँ पे एक बाइंग टाइप का पैटर्न बनेगा नहीं, या फिर कोई ऐसा डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनाए। और फिर यदि जाए हायर हाई टाइप का पैटर्न, आई मीन जैसे कि यहाँ पे एक लो बनाया और इसके ब्रेकआउट करके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना, तो उस केस पे आप यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे अगर अपसाइड का बनेगा तो। बट ओवरऑल ज़्यादातर चांसेस हैं कि अभी भी और यहाँ पे सेलिंग आए, और सेलिंग के बाद यहाँ पे हो सकता है कि एक थोड़ा टाइम पास करे और फिर ये एक डाउन साइड आए 18,760 तक, या फिर गैप डाउन भी खुलता है, और गैप डाउन खुल के भी आता है तो अपन यहाँ तक का ट्राई करेंगे 18,600
660 तक का टारगेट अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी कम रखिएगा अपना निफ्टी का, ये अपना हाल है, ये प्लान है। चलिए देखते हैं अपन बैंक निफ्टी का। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। बैंक निफ्टी का क्या सुना रही हो? तो जी बैंक निफ्टी भी लगातार 3 दिन से सेलिंग आई हुई है। यहाँ पे अपने को टारगेट दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम खोल लेते हैं टारगेट देखने के लिए। तो यस, दिस इज द टारगेट। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम पे सपोर्ट लिया था, ठीक है, ये 3 कैंडल्स या फिर ये अपना 18,000 करीब करीब। चलो डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट बन रहा है अपना करीब करीब ये बन रहा है 41,700। तो 41,700 का सपोर्ट अपने को दिख रहा है, 41,700, और एक अगेन सपोर्ट है 42,000। तो ये 42,000 या फिर 41,960, ठीक है। तो ये अपना सपोर्ट बन रहा है, अपन लगा दिए। तो अब यहाँ पे भी क्या प्लान बन रहा है फ्रेंड्स? यहाँ भी एक टाइप का पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न है। ऊपर जाने पे अभी बाइंग का सिनारी हो तो फिलहाल अभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बनेगा भी तो यहाँ पे भी क्या करना है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे रीटेस्ट करता है और फिर जाता है, तब अपन छोटी मोटी क्वांटिटी से बाइंग देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 50-60 पॉइंट का ही रहेगा, बट वही डाउन होगा तो डाउन साइड पे आप आराम से फ्री फ्लो खेल सकते हैं। क्वांटिटी कम रखिएगा क्योंकि अब ये सपोर्ट के पास आ चुका है। तो अब चांसेस क्या है कि अगर यहाँ पे आता है, ये सपोर्ट पे आता है और यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन किया, तो आपको एक 41,964 और उसके बाद का टारगेट आता है तो 41,725 तक के करीब करीब टारगेट आ सकता है, ठीक है। तो अब सपोर्ट के करीब है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी आप हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अच्छा सिनारी होता है तो मैं मार्केट को गाइड करते रहता हूँ कि किस टाइप से हो सकता है कि मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। अप स्टॉक, एस्प्रेसो, धन, अलाइस ब्लू, कहीं पर भी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे अपन लाइव मार्केट पे प्रयास करते हैं कि आप लोग लर्न कर पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।